नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि अपने एल बार को कैसे मजबूत बनाएं। तो बने रहें इस वीडियो में। मैं आप लोगों को बता दोस्तों, मैं इस चैनल में सिखाता हूँ कराटे, फिटनेस, सेल्फ डिफेंस से रिलेटेड वीडियोस। तो जी हाँ दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो जी हाँ दोस्तों, आज मैं हाजिर हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके। जी हाँ दोस्तों, एक भाई का बहुत ही प्यारा कमेंट आया था कि उन्होंने बोला था, सर जब भी हम स्पीड फाइट, रोड फाइट, कंपटीशन फाइट राइट करते हैं तो उस टाइम या तो गलती से हमारे एल पार्ट यानी कि मेन पार्ट पे लग जाता है, यानी कि जब भी हम रोड फाइट स्पीड फाइट करते हैं तो अपोनेंट हमारे को एल पार्ट यानी कि वीक पॉइंट पे हमारा टारगेट करता है और हमें मारता है। इसे कैसे फेस करें? तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी मेरी यहाँ पे यूट्यूबर्स हैं गर्ल्स, खासकर वो वीडियो ना देखें। आप लोगों से हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ। मैं ये वीडियो बना रहा इसलिए हूँ क्योंकि बॉयज़ को बहुत ज़रूरत होता है। जब भी हम कंपटीशन फाइट, आप लोग अज्यूम कर सकते हो, रियलाइज़ कर सकते हो कि जब भी हम कंपटीशन में फ़ाइट करते हैं तो बॉयज़ को बाई चांस बाई मिस्टेक लग जाता है वहाँ पे और बहुत भयंकर दर्द होता है और हॉस्पिटल भी जाना पड़ता है। तो सभी बहनों से यही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि ये वीडियोस ना देखें। और साथ ही साथ मैं बच्चों से भी बोलना चाहता हूँ कि ये वीडियोस ना देखें बेटा, आप लोग यहाँ पे ही आप लोग स्टॉप कर दो, ये वीडियो को ना देखें आगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं ऐसे ही बोलना चाहता हूँ कि जो आप लोगों के लिए नहीं है, राइट दोस्तों। तो जी हाँ दोस्तों, अब आते हैं मुद्दे की बात। और जितने भी भाई मेरे देख रहे हैं तो प्लीज़ फ़ोन का यूज़ ज़रूर कर लें, राइट, क्योंकि ऐसी बहुत सारी वर्ड्स मैं आप लोगों को सिखा बताने वाला हूँ, रीज़न बताने वाला हूँ, तो कोई फैमिली आपकी ना सुने, तो इसलिए कान में लीड लगा लें, राइट। तो दोस्तों सबसे पहले आते हैं दोस्तों कि इस पार्ट को कैसे मजबूत करें, क्योंकि दोस्तों सारा खेल हमारा मेन पार्ट पे है, बहुत वीक पॉइंट होता है दोस्तों। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ अपना। जब मैं मतलब प्रैक्टिस के दौरान था तो उस टाइम हम लोग क्या करते थे, जोश जोश में खूब पावर से मारते थे, खूब अटैकिंग खेलते थे, राइट। तो उस टाइम हमें को पता नहीं था कि हमारा गलती से यहाँ पे भी लग सकता है एल पार्ट पे, राइट। तो उस टाइम क्या करते थे, जब मैं अपने फ्रेंड के साथ फाइट करता था तो उसने मुझे यहाँ पे खींच के एक किक मारा था। अब वो बाई चांस मारा था या गलती से मारा था या उसने जानबूझ के मुझे हराने के लिए यहाँ पे किक मारा था, तो आप लोग बिलीव नहीं कर सकते जब उसने मुझे किक मारा तो मैं उसी टाइम से उसको पकड़ के वो मतलब क्लास मतलब एकेडमी से लेके सीधा जो हॉस्पिटल था वहाँ तक मैंने उसको पकड़ के रखा। इतना भयंकर दर्द होता है। उसके बाद मुझे डॉक्टर ने ट्रीटमेंट किया, कुछ मेडिसिन दिया, तो उस मेडिसिन को खाता था तो उसमें से कभी मेरे जो मूत्र था कभी वो येलो कलर का, कभी ब्लैक कलर का निकलता था, कभी रेड कलर का, तो मुझे डर लगता था कि कहीं मेरा कुछ अंदर से डैमेज तो नहीं हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं था दोस्तों, वो खाली मेडिसिन का जो कलर होता है वही कलर मेरा मूत्र से निकल रहा था, तो राइट। तो यहाँ पे घबराने की वाली कोई बात नहीं है अगर लग भी जाती है बाई चांस, बट उसका दर्द जो होता है बहुत भयंकर होता है, राइट। तो इससे कैसे फेस करें, मैं आप लोगों को तीन बातें ऐसी बताऊंगा, दो एक्सरसाइज आपको बताऊंगा, तीसरे में दोस्तों आप लोगों को मैं कुछ एक बात बताऊंगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूं दोस्तों कि जो भी ये मोंग वाले जो आप लोग देखते हो ना, मोंग चाइना जो में ट्रेनिंग होती है वहाँ पे वो लोग बिल्कुल पावरली हिट करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी सारी वीडियोज़, किक मारते हैं, राइट, उसमें हैवी वेट लटकाते हैं, राइट, बहुत सारी तमाम चीज़ें उसमें, कोई किक मार रहा है, कोई डंडे से मार रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई स्टोन से हिट कर रहा है। तो वो गलती आपको अभी नहीं करनी है दोस्तों। अगर वो चीज़ आप करते हो तो इसका मतलब आप लोग बहुत बड़ी भूल कर रहे हो, उसमें आपके जो भी है मेन पार्ट उसमें बहुत अफेक्ट, बहुत नुकसान हो जाएगा, इसलिए आप लोगों को वो गलती नहीं करनी है, वो वीडियो को देख के गलती नहीं करनी है, राइट। धीरे धीरे स्टार्टिंग में मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, उसको आपको एवरीडे फॉलो करना है। जब ये छः महीने का, ये जो छः महीने का जो मैं आज बता रहा हूँ आपको, तो ये छः महीने तक आपको करना है इसको फॉलो। छः महीने के बाद आप धीरे धीरे किसी को किक मारने के लिए बोलोगे या अपने सेल्फ से पहले मार के चेक करोगे कि मैं बर्दाश्त कर पा रहा हूँ कि नहीं, फिर धीरे धीरे किसी से हल्के पावर में लगवा के देखोगे, किक वगैरह, पैड वगैरह या कोई किसी भी चीज़ से धीरे धीरे स्टार्टिंग में, राइट। तो इससे क्या होगा, आपका सहनशीलता बढ़ता चला जाएगा, देन उसके बाद जाके वो लोग इतना हैवी वेट लटकाते हैं, उसमें भर के किक मारते हैं, तो कम से कम वो कई सालों की ट्रेनिंग होती है, राइट, तब जाके वो इतना कुछ सह पाते हैं, किक मार पाते हैं। तो अब आते हैं मुद्दे की बात में, राइट दोस्तों। तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है, ध्यान रख लेना दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे आज के यंग जनरेशन है YouTube में सर्च करते हैं आ जाता है और उसी को देख के फॉलो करते रहते, तो ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है आपको, राइट। तो अब आते हैं मुद्दे की बात। सबसे पहले मैं आप लोगों से बोलूँगा, अगर आप लोग मैरिड हो या अनमैरिड हो, शादीशुदा हो या शादीशुदा नहीं भी हो, अगर एक आप लोग शादीशुदा नहीं हो, अनमैरिड हो, तो आप लोगों को रिलेशनशिप में किसी भी, जो भी आपकी गर्लफ्रेंड है, कोई भी बाहर है, जो कुछ भी मतलब आपकी बीमारी है, अगर आप लोग
मतलब बोलते हैं ना हस्तमैथुन करते हो, वो चीज़ आपको बिल्कुल नहीं करना है दोस्तों। 6 महीने तक, 6th मंथ तक आपको ये चीज़ें नहीं करनी है। अगर आपको इम्प्रूवमेंट आते हो, अगर आप लोग एक प्लेयर हो, आप क्रिकेटर हो, आप डांसर हो, किसी भी चीज़ में हो, कभी भी गलती से हमें यहाँ पे लग सकता है दोस्तों, राइट। तो ये चीज़ आपको फॉलो करना है, 6th मंथ तक आपको रिलेशनशिप में नहीं रहना। अगर आप मैरिड हो तो आप अपने वाइफ से भी 6th मंथ नहीं रहोगे रिलेशनशिप, क्योंकि सबसे बड़ा वीक पॉइंट होता है यही हमारा। अगर हम लोग अपनी एनर्जी को मूव आउट कर देंगे, राइट, तो हमारा बॉडी वीकनेस बनता रहेगा, और वीकनेस बनेगा तो हमारे मेन पार्ट पे ही नहीं, अगर हमारे इस बॉडी के किसी भी पार्ट को मारेगा तो हमको लगना स्टार्ट होगा, हमें दर्द लगना, क्योंकि हमारे पास पावर नहीं है। पावर नहीं है तो हमारे पास सहनशीलता नहीं रहेगी। जब भी कोई मारेगा, थोड़ा सा भी मारेगा, तो दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा। कोई स्टेमिना बनाना है आपको, पावर, फास्टनेस, राइट, मतलब जो भी, अगर स्पीड फाइट, रोड फाइट में फाइट करते हो, आपका ओपोनेंट कम से कम 5-6 है, वहाँ से आपको मूव आउट होना है। कैसे होगे अगर आपके पास स्ट्रेंथ है, पावर है, एनर्जी है, कहाँ से आती है एनर्जी? यही चीज़ ना करने से। ये चीज़ आप नहीं करोगे तो आप लोग रियलाइज़ करोगे कि इतना पावर आपके शरीर के अंदर इकट्ठा हो जाता है, इतना स्टेमिना का एक्सरसाइज। दो एक्सरसाइज कौन सी है जो आपको करना है? सबसे पहले तो आपको सिटिंग वाला, जो बैठने वाला एक्सरसाइज है, वो मैं आपको बताता हूँ। बैठने वाला एक्सरसाइज क्या है दोस्तों? सिंपल सा है, आपको एक पैर को इस प्रकार से आपको फोल्ड करना है, राइट, बैक के जो आपका हिप है उसके नीचे फोल्ड करना है। दूसरे पैर को क्या करना है आपको? इस तरीके से क्रॉस करना है, ये, राइट, इस प्रकार से आपको क्लोज करना है। जितना हो सके आपका अफेक्ट आपके मेन पॉइंट में होना चाहिए, राइट, यानी कि एल पार्ट में होना चाहिए, दबाव महसूस होना चाहिए। उससे क्या होता है, आपको सहनशीलता बनती है दबने की, सहनशीलता बनती है आपकी दर्द की, राइट। तो उस प्रकार से फिर आपको हैंड पोजिशन ये रखना है पीछे, राइट, मैं आपको टर्न करके दिखाता हूँ, राइट, ये आपका पोजिशन है, ये देख लो पैर कैसा है, राइट। उसके बाद आप हाथ को ये रखना है, राइट, इस प्रकार से, राइट, तो इस प्रकार से आपको ये एक्सरसाइज करनी है, कम से कम 1 मिनट 2 मिनट, जितना आपसे सहनशीलता हो सके, क्योंकि दोस्तों सारा बॉडी वेट हमारा उसी पार्ट में होता है और वो ऐसे क्लोज रहता है। दूसरा एक्सरसाइज है दोस्तों आप लोगों का स्टैंडिंग, खड़े खड़े आपको करना है, ये पैर सीधा है, दूसरे पैर पर फंसाना है, राइट, इस प्रकार से, राइट, फंसाना है। ये भी दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को ये सपोर्ट में लाता है दोस्तों, पूरा क्लोजली। और दूसरा ये वाला है, ये रख के आपको हाथ को इस प्रकार से ज्वाइंट करना है, राइट, इस प्रकार से, इस प्रकार से आपको ज्वाइंट करना है, और पैर का ये पोर्शन है आपको इस चीज़ को फॉलो करना है, राइट। तो ये दो एक्सरसाइजेस को एवरीडे करना है और तकरीबन 6 महीने तक करना है। और जो भी कुछ भी कहीं से भी लग सकता है, स्पीड फाइट, रोड फाइट, कॉम्पिटिशन, क्रिकेट खेल रहे हो, बॉल लग सकता है, एक्सेट्रा, बहुत सारे। अब ये चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी ध्यान रखना है। तो यही वीडियो था, आप लोग फॉलो करो इस चीज़ को, राइट। तो जी हाँ दोस्तों, ये था वीडियो मेन पार्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। अगर दोस्तों आप लोग भी एक्साइटेड हो तो मैं आप लोगों से यही सजेशन करूंगा दोस्तों कि आप लोग इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा, ये दो एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करो। और साथ ही साथ जो मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों कि ये जो रिलेशनशिप है आप लोगों को नहीं रखना है दोस्तों, अगर रिलेशनशिप रखते हो तो नहीं कर पाओगे अपने मेन पार्ट को स्ट्रॉन्ग दोस्तों। ये बहुत बड़ा एग्जांपल है दोस्तों, और मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूँ कि आपको रिलेशनशिप नहीं करना है अगर आपको मेन पार्ट स्ट्रॉन्ग करना है तो। अगर आप प्लेयर हो, क्रिकेटर हो, कुछ भी हो, रोड फाइट, स्पीड फाइट, स्ट्रेंथ, जो बोलते हैं सर मुझे 10 बंदों से लड़ना है, 10 बंदों से तभी जीत पाओगे दोस्तों, जब तक आप अपने अंदर स्टेमिना, पावर नहीं इकट्ठा कर पाओगे तब तक आप कोई भी चीज़ डेफिनेटली नहीं कर पाओगे। आपका किसी भी चीज़ में आप लोगों को मन नहीं लगा, क्योंकि दोस्तों सारा ही पावर, सारा ही स्ट्रेंथ, सारा ही सोचने समझा हमारे उसी चीज़ में होता है। तो आप लोगों अंदर ये गंदी चीज़ है तो आप लोग ये चीज़ ना करें, डेफिनेटली आप लोगों को उसके बाद रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो यार लाइक जरूर करना, इससे मैं बहुत मोटिवेटेड होता हूँ, ऐसी एक्सपेरिमेंट वीडियोस में आप लोगों के लिए बनाता रहता हूँ। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूँ, दोस्तों पे शेयर करो दोस्तों जो नहीं जानते इस मेन पार्ट को कैसे स्ट्रॉन्ग करें। बहुत सारी भाई हैं जो हर बार की वीडियोज़ देखते हैं, किक मारते हुए, स्टोन मारते हुए, लकड़ी मारते हुए इस पार्ट में, तो दोस्तों ये बहुत बड़ी भूल होगी आप लोगों की अगर आप लोग ये चीज़ डायरेक्ट क्लिक करते हो तो। आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा आपके पूरे होल लाइफ में, राइट दोस्तों। उन दोस्तों को जरूर भेजें। और साथ ही साथ मेरे दूसरे चैनल पे विजिट नहीं किया तो जाओ मेरे दूसरे चैनल पे विजिट करो, मैंने अपनी लाइफ के ऊपर वहाँ पे वीडियोस अपलोड कर दी है, लव स्टोरी के बारे में, स्टोरी के बारे में मैंने वीडियोस अपलोड कर दिया है, आपको बहुत अच्छी लगी। अगर आप लोगों ने देख लिया तो कमेंट करके बताओ मेरी लव स्टोरी कैसी लगी आप लोगों को। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं, अगर मेरे YouTube चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना, और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ताकि मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ।
जी दोस्तों आज के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।